अगर आपके पेरेंट्स भी ये समझते हैं कि फोटोग्राफी एक अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है, फोटोग्राफी का भूत सवार था आपके सर पे, जानवरों की तस्वीरें लिए फिरते थे, कहते थे कि मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, तो ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को दिखाओ, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ करियर इन फोटोग्राफी आफ्टर 12th, बिकॉज 12th क्लास के बाद ना आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं करियर को चूज करने को लेकर, एंड इन्हीं सारे ऑप्शंस की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बट फोटोग्राफी चूज करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्या फोटोग्राफी आपके लिए बनी हुई है। देर इज अ थ्योरी कि हमारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। देखो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आपके ब्रेन का आप कौन सा पार्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो लोग बहुत ही क्रिएटिव आर्टिस्टिक होते हैं ना, वो लोग अपने ब्रेन का राइट पार्ट ज्यादा यूज करते हैं, एंड जो लोग बहुत ही लॉजिकल या फिर एनालिटिकल माइंडसेट वाले होते हैं वो लेफ्ट ब्रेन का ज्यादा यूज करते हैं। तो ये जानने के लिए कि आप ब्रेन का कौन सा पार्ट ज्यादा यूज करते हो, आपको एक टेस्ट लेना होगा। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके इसको चेकआउट कर लेना, बिल्कुल फ्री है। इसमें जस्ट आपसे 10 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड बेस्ड ऑन योर आंसर्स ये आपको बता देगा कि आप क्रिएटिव सोचते हो या फिर एनालिटिकल। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं रेड, तो कुछ लोग RED रेड सोचेंगे, एंड कुछ लोग रेड कलर का एक बॉक्स सोचेंगे माइंड में। यही डिफरेंस है एक क्रिएटिव और एक लॉजिकल माइंड में। जो लोग सिर्फ नंबर और इन्फॉर्मेशन में ही सोचते हैं, उनके लिए स्ट्रीम्स जैसे कि साइंस, कॉमर्स, ऐसे टाइप की चीजें ज्यादा अच्छी रहती है, एंड अगर आप कलर, शेप, डिजाइन, इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हो, तो आपके लिए फोटोग्राफी एक वरदान है। यू शुड डेफिनेटली परस्यू करियर इन फोटोग्राफी। बात करते हैं 10th के बाद की, मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। देखो 10th में मेरे अच्छे खासे मार्क्स थे, मतलब 8.6 CGPA था, और मुझे साइंस में अच्छी खासी एडमिशन मिल रही थी, बट फिर भी मैंने कॉमर्स चूज किया, क्योंकि मुझे लगा कि जब मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है तो साइंस जैसा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट चूज करके फायदा क्या है, जिसमें पास होना बहुत ही मुश्किल है। आर्ट्स मैंने इसलिए चूज नहीं करी क्योंकि अगर इन केस बाद में मैं फोटोग्राफी में कुछ ना कर पाया तो मेरे पास कोई ऐसे सॉलिड बैकअप प्लान ना रहता, क्योंकि आर्ट्स में कोई खास जॉब वगैरह मिलती नहीं है। इसलिए मैंने कॉमर्स चूज की, जो कि मेरा बैकअप प्लान भी था कि अगर आर्ट एंड क्रिएटिव फील्ड में मैं कुछ ना कर पाया तो वापस से जाकर कॉमर्स में अकाउंटेंट की जॉब तो मिल जाएगी, या फिर किसी बैंक की तैयारी कर लूंगा और लाइफ सेटल तो हो ही जाएगी। बट रिमेंबर ये मेरा सेकंड प्लान था। देन आफ्टर 12th आई ऑप्टेड इन फॉर BCom, क्योंकि मेरे पास फोटोग्राफी या डिजाइन के कोर्सेज करने का ऑप्शन नहीं थे। अगर आपके पास रिसोर्सेज हो तो आप 12th के बाद किसी अच्छे कॉलेज से बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स, BFTM या फिर बैचलर्स इन मास मीडिया जैसे कोर्सेज को भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ BCom या फिर BA। इन कोर्सेज से आपको शायद ज्यादा कुछ सीखने को ना मिले, लेकिन आपको एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट मिलेगा। आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो सब क्रिएटिव सोचते हैं, आपके क्रिएटिव ही दोस्त बनेंगे जो आपको समझेंगे, एंड इन फ्यूचर आप सब लोग मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम भी कर सकते हैं। मैंने ये कोर्सेज क्यों नहीं किए, दो रीजन थे। पहला तो मनी, एंड सेकंड मैं अपने बैकअप प्लान पर काम कर रहा था। मुझे खुद पे ना 100% श्योर नहीं था कि मैं फोटोग्राफी या फिर आर्ट वाले फील्ड में कुछ कर भी पाऊंगा, इसलिए मैं अपने कॉमर्स वाले बैकअप प्लान पर काम करता गया और मैंने BCom फाइनल कर लिया, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ हो ना पाए तो मैं एटलीस्ट अकाउंटेंट की जॉब तो कर ही लूंगा। BCom के साथ साथ मैं फोटोग्राफी खुद से ही सीखता रहता था। मैंने सबसे पहले फोटोज को एडिट करना स्टार्ट किया, फिर मैंने पेड एडिटिंग की सर्विस सेल करना स्टार्ट कर दिया, और वो पैसे जोड़ जोड़ के मैंने एक कैमरा ले लिया, और फिर मैंने उस कैमरा को यूज करना सीखा YouTube के जरिए। इस प्रोसेस में मुझे टाइम बहुत ज्यादा लग गया, बट मैंने सारी चीजें खुद से एक्सप्लोर करी। मुझे सिखाने वाला कोई एक टीचर या फिर कोई एक कॉलेज नहीं था, मैंने बहुत सारे फोटोग्राफर्स और प्रोफेशनल से सारी चीजें सीखी, और वो भी बिल्कुल फ्री में YouTube के जरिए। तो आपके पास भी दो ऑप्शंस हैं, अगर आपके पेरेंट्स आपको अलो करते हैं एंड आपके पास रिसोर्सेज भी हैं तो आप कोई बढ़िया सी फोटोग्राफी डिग्री कर सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह कोई बैकअप प्लान लेकर चलना चाहते हो तो BBA, BCA या फिर BCom जैसे कोर्सेज में आप एनरोल करके साथ साथ फोटोग्राफी को सीख सकते हैं। देखो फोटोग्राफी ना सिर्फ वेडिंग या फिर फंक्शन वाली फोटो क्लिक करना नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीजें आती है। वेडिंग फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट्स, वाइल्ड लाइफ, प्रोडक्ट, कॉर्पोरेट, कमर्शियल, न्यूज एंड डॉक्यूमेंट्री, एस्ट्रो फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी और ऐसी बहुत सारी चीजें। इन सब में से ना आपको कोई एक या दो चीजें बहुत अच्छी लगेंगी एंड वो करने में आपको मजा आएगा। अब मान लेते हैं आपको फैशन फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब आपको अपनी सिटी में ऐसे फोटोग्राफर्स ढूंढने जो ऑलरेडी इस टाइप का काम कर रहे हो, फैशन फोटोग्राफी कर रहे हो, एंड उनको रीच आउट करना है ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप के लिए। इनके अंडर रह के आप अर्निंग तो नहीं करोगे, लेकिन आप बहुत कुछ सीख जाओगे। हाउ फोटोग्राफी बिजनेस वर्क, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं, किस टाइप का काम इंडस्ट्री में चल रहा है, ये सब कुछ आप यहाँ से सीख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको साथ साथ सीखते हुए अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। पोर्टफोलियो मतलब 10 या 20 ऐसी फोटोज जो आपने क्लिक की हो एंड बिल्कुल परफेक्ट आपके बेस्ट शॉट हो। एक फोटो क्लिक करने में चाहे आप एक महीना लगा दो, लेकिन वो बेस्ट होनी चाहिए। पर ऐसे ही 10 या 20 फोटोज का आप एक डिजिटल पोर्टफोलियो बनाओ PDF फॉर्मेट में, फिर आप क्लाइंट को खुद से अप्रोच कर सकते हो। मान लो आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है एंड आपके पास 20 बेस्ट फोटोज है किसी प्रोडक्ट की या फिर अलग अलग प्रोडक्ट की, तो आप बाकी प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड को रीच आउट करोगे कि हे आई कैन मेक योर प्रोडक्ट मोर सेलेबल बाय माय फोटोग्राफी सर्विस एंड हियर आर सम ऑफ माय प्रीवियस वर्क या फिर मेरे पोर्टफोलियो, एंड दैट्स हाउ यू कैन लैंड क्लाइंट्स एंड अर्न गुड मनी बाय डूइंग व्हाट यू लव। ये सब सुनने में आपको बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा टाइम टेकिंग भी है, बट आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा इफ यू ट्रूली लव फोटोग्राफी।